हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरदीप सिंह सेख हूँ, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स नाभा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। तो अज अपना टॉपिक है 10+2 केमिस्ट्री विच केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर दे विचों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की होंगे ने, तो सब तो पहला तो आप अज के लैसन डेफिनेशन पढ़ा, दैन इस दे एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, देन वी विल ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट ग्राफिकली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उस तो बाद पंद्रह और छेवें नंबर पर आप करेंगे सिग्निफिकेंस एंड न्यूमेरिकल्स। ये सारा कुछ करके आफ्टर एग्जाम दे विच तां क्वेश्चन आने ने आपां नूं, तो इस चैप्टर दे इस टॉपिक दे विचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केड़े बनते ने, उन्होंने की आंसर्स ने वो आप डिस्कस करांगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नूं रेट लॉ के मुताबिक ही लिखा जाता है। सब तो पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट पता किया जाता है, रेट का मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी है, भी रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। वी नो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो अकॉर्डिंग टू दैट order of reaction is defined as the sum of powers to which the concentration terms are raised in the rate law equation so as to express the observed rate of reaction, means it is special dhyan dena according to rate law. So order of reaction is calculated according to rate law equation. Isnu apna generally n na represent karde ha, so फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, इफ एन हैज वैल्यू इक्वल टू जीरो, इट मीनस द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, और आप जनरली कहेंगे कि इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किस तरह इस रिएक्शन का रेट आप लिखते, रेट इज इक्वल टू के एन एच थ्री की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जीरो, वेयर के इज रेट कॉन्स्टेंट। ये जो ब्रैकेट दे विच आपां लिखदे आ मॉलिक्यूल NH3 दा, इसका मतलब है कि इस टाइम ते NH3 अमोनिया दी कंसंट्रेशन। सो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन अमोनिया दी कंसंट्रेशन दी जीरो पावर दे ऊपर डिपेंड करदी है, मीन्स डिपेंड करदी ही नहीं। दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस ऑफ प्लैटिनम और गोल्ड। सो इस तरह के रिएक्शन जिन्हों का रिएक्टेंट की पावर जीरो के उत्ते डिपेंडेंस हो, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इस तो अगे इफ एन इज इक्वल टू वन, दैन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन पेंटाक्साइड गिवस NO2 एंड ऑक्सीजन, तो इस इक्वेशन का रेट आप लिखा, रेट इज इक्वल टू के मीनस रेट कॉन्सटेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। हुण इत्थे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीनस इहदी पावर 1 है, आप 1 लिख भी सकते हैं, उसनों इग्नोर भी कर सकते, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड दैट इफ नथिंग इज रिटन हेयर इट मीनस 1 इज हेयर। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे विच रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्ड अपॉन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह आप अमोनियम नाइट्रेट की सैकंड एग्जाम्पल ले लें, यह एग्जाम्पल आप ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपना टॉपिक की है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप डिस्कस करना है, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर ली, सैकंड एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन है, इस दे विच भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन पावर 1 ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। सिमिलरली अपने पास थर्ड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड की H2O2। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੱਗ ਜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਫਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ H2O2। सो यह भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेट अस ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस।
इक्वेशन की डेरीवेशन वास्ते आप जनरल रिएक्शन लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर रिएक्टेंट आर गिव्स प्रोडक्ट बिकॉज वी नो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सो अकॉर्डिंग टू दैट रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन बाय डी आर अपॉन डी टी. इट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. सिमिलरली रेट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर. सो बेटा इतने स्पेशली दो चीजा ध्यान देनिया ने. जो भी आप जिम्मे फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट है इसनों आप आर ना रिप्रजेंट किया तो आर न ब्रैकेट के लिखा. इसका मतलब है कि एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट न रिप्रजेंट कर रहा है भी किन्ने मोल्स पर लीटर है. मोल्स पर लीटर ही रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रैस किया जाता है. सो ब्रैकेट आर पाउंड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. के इज रेट कॉन्सटेंट. सो ये जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन आप अज्यूम किया है आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट इस द रेट आप इस तरह दो मैथड्स नाल लिख सकते हैं. बट किसी भी तरीके लिखिए रेट विल बी सेम वो तो सेम ही होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट माइनस डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के आर. टर्म्स नू रीअरेंज कर लिए आ वाली आर नीचे ले आइए डी टी नू इधर ले आइए. डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी. हुण डी टी का मीनस की है आप वैसे तो मैथमेटिकल प्रोसैस है बट आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. डी टी मीनस समॉल इंटरवल ऑफ टाइम. सो जो बहुत छोटे टाइम की इंटरवल हो डी टी लिखते हैं उस समॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी कितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है दैट इज डी आर. सो डी आर रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम डी टी. सो इस इक्वेशन आप मीनस इक्वेशन डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी इंटेग्रेशन करांगे. इंटेग्रेटिंग डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी. तो इतने मैथमेटिकल प्रोसीजर के नहीं जाना आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख लेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के इस एक्सट्रापोलेट करके लिखने का कोई एक्सट्रा मार्क्स नहीं होगा. सो इसका रिजल्ट अपने पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. इसनों समझ लिए नेचुरल लॉग ऑफ आर. अपने पास दो तरह के लॉग होंगे ने. लॉग टेबल एक जो थोड़ी बुक्स के पिछले पास बनिया हुआ उसन कहने आप लॉग बेस टू टेन. एक होंगे लॉग जिस टू ई की पावर वह वाला लॉग. तो इस लॉग को आप नैचुरल लॉग कहेंगे. इसको मैं अगे जाके समझावगा किस तरह चलेगा यह. सो नैचुरल लॉग आप एल एन भी कह सकते हैं. नैचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. के रेट कॉन्सटेंट है कॉन्सटेंट का इंटेग्रेशन उस तरह कॉन्सटेंट ही रह गया के आ गया. टी क्योंकि वेरिएबल है तो टी आ जाएगा. आई है इंटेग्रेशन कॉन्सटेंट. सो इतने आपू थोड़ा अलग लगेगा भी आपने तो इंटेग्रेशन किया इक्वेशन सॉल्व करने वास्ते भी ईजी हो जाएगी. बट अपने को एक वेरिएबल होर आ गया एक वेरिएबल नहीं सॉरी एक कॉन्सटेंट होर आ गया जिसनों आप इंटेग्रेशन कॉन्सटेंट कहते हैं. तो इसनों हम कैसे फाइंड आउट करिए. सो आना जो रेड कलर के बॉर्डर के बीच में लिखे है यह सारी चीज इंटेग्रेशन कॉन्सटेंट आई नू फाइंड आउट करने का प्रोसैस है. आप मान लेंगे कंसीडर इन द स्टार्ट जो रिएक्शन अजे जस्ट शुरू होना से उस टाइम टाइम कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. टाइम टी तो जीरो जो रिएक्शन शुरू ही नहीं होया तो उस टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सब तो मैक्सीमम होती है. तो उस कॉन्सेंट्रेशन जो मैक्सीमम है उसनों आप लिखा आर नॉट. कुछ बुक्स में इसन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखे तो वन एंड सेम थिंग. आप जो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो देन रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज नॉन एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. सो जो इसी इक्वेशन के वैल्यूज पुट करनिया ने आप किस वास्ते करनिया ने आई नू फाइंड आउट करने वास्ते. तो स्पेशल केस है इस करके आप रेड बॉर्डर के लिखते. सो वेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आ टी की वैल्यू की हो जाएगी जीरो हो जाएगी. के का के लिख लिया आई का आई लिख लिया प्लस का साइन प्लस आ गया. नैचुरल लॉग आर क्योंकि टाइम की वैल्यू जीरो सी अजे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होया सी तां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम सी जिसनों आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कह दें.
तो नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट पाता, तो आर की जगह आर नॉट आ गया, माइनस के टी की जगह जीरो, बिकॉज टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, आई इंटेग्रेशन कॉन्स्टेंट उस तरह ही है। हुण किसी भी चीज नू जीरो नाल मल्टीप्लाई करिए देन इट बिकम्स जीरो, सिक्स इंटू जीरो जीरो, फाइव इंटू जीरो जीरो, ईवन आप एक लख नू भी जीरो नाल गुणा कर दिए तो जीरो हो जाता है। सो इस करके जदों ही आपां जीरो नू मल्टीप्लाई करांगे माइनस के नाल इट बिकम्स जीरो। सो नैचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू आई, इधर उधर भी लिख सकते हैं, दोनों पासे लिख सकते हैं, मीन्स ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए। सो आई बिकम्स इक्वल टू नैचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। सो हम अपने पास आई की वैल्यू पता लग गई, अब आई की मीन्स इंटेग्रेशन कॉन्स्टेंट आई की वैल्यू ए वाली नैचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इतने पुट करेंगे। देखो किस तरह सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई, नेचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल इक्वल माइनस के टी, माइनस के टी उस तरह ही है, आई की जगह आप ए वाली वैल्यू पुट कर लेनी है नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। हुण अपनी इक्वेशन आलमोस्ट शेप विच आ गई, इसनों आप रीअरेंज ही करना है, इसनों मैं केटी नूं इधर जाके रीअरेंज दा मीन सज्जे खब्बे ले जाके तां नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर बिकम्स इक्वल टू के टी। हुण लॉग दे विच जिहड़ा माइनस दा साइन है इसनों आप लिख सकते हैं जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि जे मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई है, इसनों मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई। तो उसी तरीके नाल अपने पास हुण की है नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट है, नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू के टी, तो इसनों मैं इसके नीचे ले आ सकता क्योंकि लॉग दे विच माइनस का जो साइन है वह डिवीजन के साइन विच चेंज होता है। सो नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट माइनस की बजाय हम नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर, सो नेचुरल लॉग कॉमन हो गया आर नॉट ओवर आर आ गया इज इक्वल टू के टी। पर बच्चे अपनी जो बुक्स के लॉग टेबल दिते हुए ने लॉग टेबल ने अपने पास लॉग बेस फॉर टेन वाले, ये वाला नैचुरल लॉग बुक्स के नहीं है, तो इसनों आप कन्वर्ट करना है लॉग बेस टेन वाले, तो उसनों किवें कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। इस तो मैंने के दी वैल्यू आप कर दिया सी नेचुरल लॉग आर नॉट ओवर आर इज इक्वल टू के टी, के इज इक्वल टू वन पॉइंट टी नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट ओवर आर। एक बार टर्म्स दोबारा पढ़ लीए, के है रेट कॉन्स्टेंट, टी है टाइम, नेचुरल लॉग आर नॉट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, टी जो बची हुई है कंज्यूम होगी या नहीं जो बच गई। तो ये नेचुरल लॉग नूं लॉग टेन विच चेंज करने वास्ते अपने पास सिंपल फार्मूला नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ एक्स, यानी कि इस नूं लॉग टेन विच चेंज करने वास्ते आपने मल्टीप्लाई करना है 2.303 नाल। सो लेट अस ट्राई, इस तो बाद के विल बी इक्वल टू 2.8 जगह नेचुरल लॉग एन जगह आएगा 2.303 ओवर टी log of r not over r। so ये अपने पास जी equation है ए final equation integrated equation for calculation of rate constant of first order reaction आ गए। तो इस तो अपने पास अगर चार variable ने 1, 2, 3, 4 चार विचों अगर तीन अपने पास हो गए then fourth can be calculated। so इसकी derivation दे विच कोशिश की है कि सारा कुछ अच्छी तरह समझ आ जाए, लेकिन फिर भी आप एक बार मोटी मोटी डेरिवेशन दोबारा पढ़ लेने क्योंकि अपने पास क्लास दे विच मेडिकल ते नॉन मेडिकल दोनों तरह के स्टूडेंट्स होंगे ने। तो स्टार्टिंग दे विच आपां की कीता सी कि जनरल इक्वेशन कंसीडर की है आर इज गिव्स प्रोडक्ट मीनस रेट इसका दे सकते हैं आप माइनस डी आर अपॉन डी टी रेट इज इक्वल टू के आर माइनस डी आर डी टी इस करके लिखता क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होंगी है ये दोनों इक्वल होंगे इन्हें रीअरेंज किया इंटेग्रेशन की इसके वी विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस के टी प्लस आई।
आई की वैल्यू कैलकुलेट करने वास्ते आप अज्यूम करते हैं वेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो उस समय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट सो आई विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट उस तो बाद वैल्यू पुट करके रीअरेंज करके अपने पास फाइनल इक्वेशन यह आ गई है विच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ आर नॉट ओवर आर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी नो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ आर नॉट ओवर आर इसको ग्राफिकली आप दो मैथड्स नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये दसांगा कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का आपको फायदा क्या है सब तो पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कि अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने का एक अपने पास मैथ की इक्वेशन है नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो जानते होंगे कुछ मेडिकल वाले भी जानते होंगे इसको आप कहते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यह सारा जो मैं लिखा इसके मैथ न संबंधित ही है बट इसको आप इतने यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन की है कि आप ग्राफ ड्रा करते हैं एक्स और वाई का आप इस तरह लाइन लगाने हैं अपना ओरिजेंटल लाइन एक्स हो गई वर्टिकुलर वाई तो यह ग्राफ आ गया अपने पास एक्स वर्सिज वाई का ग्राफ इस तरह तो इस ग्राफ के जितनी इतों उपर हाइट आ इस कहते हैं इंटरसैप्ट इट इज इक्वल टू क्योंकि एड हो गया दो तरीके यूज कर सकते हैं एक तो सब तो पहला आप वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं इस ग्राफ के लॉग आर मीनस आवड़ा टाइम टी लॉग आर वर्सिज टाइम टी का ग्राफ इसको थोड़ा समझिए आर की है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम टी जीरो इतनी क्योंकि जीरो है जिम्मे जिम्मे टाइम इंक्रीज होगा इधर चलता जाएगा ग्राफ अपना जो टाइम टी जीरो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम से जिसको आप आर नॉट भी लिखे फिर टाइम मान लो कुछ टाइम पैसे पास आउट हो गया उस तो बाद कॉन्सेंट्रेशन घटके अगे आ गई फिर टाइम और अगे गया कॉन्सेंट्रेशन इन्नी रह गई फिर टाइम अगे कॉन्सेंट्रेशन घटके तो इस तरह डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम से आप 8 to 10 रीडिंग्स लै लेनिया ने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट तो उसका आप लॉग आर ते टाइम टी जो उस ग्राफ ड्रा करांगे तो अपने पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल उस तरह वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन इस विच की है जो वाई सी वो लॉग आर के बराबर हो गया जो एक्स है वो टाइम टी के बराबर है जो इंटरसेप्ट से वो लॉग आर नॉट है आर नॉट क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं करते पर जो स्टार्टिंग के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है इट रिमेन्स सेम वो चेंज नहीं होती वो तो ओनली ही है उस तो बाद वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाती है इंटरसेप्ट किस इक्वल हो गया और उसके बाद पूरा इंटरसेप्ट इक्वल है कि दैट विल बी इक्वल टू लॉग आर नॉट तो इसकी जो स्लोप है स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 तो ये था फर्स्ट ग्राफ सेकंड ग्राफ ये बड़ा इस ग्राफ को भी आप ड्रा कर सकते हैं बड़े इजीली मेथड है तो इजी वे है इसी इक्वेशन को रीअरेंज करना है लॉग आर नॉट ऑन आर इस तरह कि इधर चलेगा कि नीचे जाएगा सो लॉग आर नॉट ऑन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 ये ग्राफ हो गया लॉग आर नॉट ऑन आर इस पास से टाइम टी क्योंकि के भी कांस्टेंट है 2.303 भी कांस्टेंट है तो वेरिएबल का टाइम टी है सो टाइम टी इस पास से रखा जब इधर का ग्राफ ड्रा करेंगे क्योंकि हम अपन आर नॉट फिक्स है आर की वैल्यू पहला लार्ज सी फिर जिम्मे जिम्मे टाइम पास हो जाए वैल्यू डिक्रीज होती है तो इन्हों का जोड़ा है प्रोडक्ट मीनस इन्हों का जो नैट रिजल्ट है आर नॉट ओवर आर डिफरेंट टाइप्स के उ
मीन जीरो टाइम टी जीरो सी थ्री वैल्यू सी आर नॉट ऑन आर डी जीरो टाइम थोड़ा होर अगे गया फिर वैल्यू फिर एंड सो ऑन सो इन पॉइंट्स को जोड़ के जो आप ग्राफ ड्रा करिए दैन अपने पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप है दैट इज इक्वल टू के अपॉन 2.3303 ध्यान रखना है इस माइनस है इस माइनस का साइन नहीं आता क्योंकि कैंसल आउट हो गया इतने लॉग आर नॉट कॉन आर के बीच कंपनसेट हो गया माइनस का साइन सो इस करके इस बीच माइनस का साइन नहीं है सो ये दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बाद यह सिर्फ साढ़े एग्जाम के आदिया ने तो आप जस्ट ड्रा करके ही दसनिया ने इस तरह का एक्सप्लेनेशन है इस तो बाद यह जो आप सारा कुछ किया पहला ड्राइव की इंटेग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फिर उन्हें ग्राफ बनाए इस समय का अपना फायदा की है सिग्निफिकेंस मीन सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस के बेसिकली टू सिग्निफिकेंस ने इसे फर्स्ट all the reactions of first order obeys the rate equation of first order jede first order de ne reactions ko first order di rate equation nu follow karnge obey karnge jo zero order de ne oh zero order de nu follow karnge jo third second order de ne oh apko apni respective integrated rate equations nu follow karnge obey karnge hun obey karan da ki matlab hai mannan da ki matlab hai aao apan is nu samjhi hai फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन लिखी आप इसके उ थोड़ा कॉन्सनट्रेट करो हम इस मैं की कुछ चेंज कर सकता ये तो रेट कॉन्सटेंट है चेंज नहीं होता आर नॉट अनिशियल कॉन्सनट्रेशन वह भी चेंज नहीं होंगी मैं अनिशियल कॉन्सनट्रेशन को थोड़ा जा जनरल डेली लाइफ वाले पे समझाव मान लो जिस तरह आप लोहड़ी की रात को लकड़ा को अग लगा मान लो मेरे पास मैं 100 किलो लकड़ा ले लिया स्टार्टिंग दे विच तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आर नॉट 100 उस तो बाद जब तेरी लगाई लकड़ा नो अग लगनी स्टार्ट हो गया मीन्स अपना रिएक्शन स्टार्ट हो गया तब टाइम 5 मिनट बाद जब टाइम 5 मिनट से इनिशियल कंसंट्रेशन तो समझ रहे हैं कि अमाउंट आर कितना हो जाएगा मान लो 5 मिनट के बीच 5 किलो लकड़ा फोड़ के तब अपने पास आर कितनी होगी बचिया हुई इसकी वैल्यू 95 होएगी क्योंकि जो इनिशियल 100 थी तो आफ्टर 5 मिनट्स कितनी हो गया 100 माइनस 5 मींस अपने पास 95 तो ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है आर इट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी नॉट कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ नहीं लिखना जो रिमेनिंग है वो उसको लिख मान लो टाइम जो 10 मिनट हो गया से 10 किलो लकड़ा फूक चुकी है तो अपने पास आएगा 100 ओवर 100 माइनस 10 फिर यह अपने पास आ जाएगी वैल्यू 90 एंड सो ऑन सो आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी इस तो आप जिन्हें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ने यह पता लगा सकते हैं कि अपना जो गिवन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है सैकेंड ऑर्डर का नहीं किस ऑर्डर का तुम्हें की करना है फर्स्ट ऑर्डर वास्ते आप करेंगे डिफरेंट टाइम टी के उत्ते जिम्मे टाइम 5 सेकंड 10 20 30 इस तरह डिफरेंट टाइम टी के उत्ते आर की अलग अलग वैल्यूज पता कर दी जिम्मे आप इस ग्राफ पता की अलग अलग टाइम के उत्ते आर की डिफरेंट वैल्यूज पता की उन्होंने इस वैल्यू पुट किए जो टाइम टी उस टाइम आर की कॉन्सनट्रेशन फिर अलग टाइम से आर की कॉन्सनट्रेशन फिर अलग जिन्हिया भी वैल्यूज कैलकुलेट करा अलग अलग टी और आर दिन वैल्यूज भर के तो के वैल्यू कम आउट टू बी कॉन्सटेंट बिकॉज के इज रेट कॉन्सटेंट सो अगर के वैल्यू कॉन्सटेंट आ रही है टी ते आर दिन डिफरेंट टाइम से डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इट मीनस अपना जो गिवन रिएक्शन है इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का सब तो पहला यूज यही है कि वी कैन नो आप जान सकते हैं कि अपना जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है या वन है बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर ऑफ रिएक्टेंट एंड डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम थ्री सिमिलरली दूसरा आप कैलकुलेशन ऑफ रेट कॉन्सटेंट के भी कर सकते हैं
ਸਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜੁੜ ਕਰਦੇ ਤੋ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਨਾਟ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਓ ਲੋਗ ਆਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਇਹ ਸਲੋਪ ਸਲੋਪ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਅਪਾਨ 2.303 ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਦੀ ਜੋ ਆਏਗੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਅਪਾਨ 2.303 ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਰੇਟ ਕੋਸਟ ਕੇ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਸਲੋਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ 1, 2, 3, 4 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਵੇਰੀਏਬਲਸ 3 ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ 4th ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਨੂੰ ਏ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ 100 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 10 ਇਫ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੋ ਗਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ 20 ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ 100 ਮਾਈਨਸ 20 80 ਤੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ 20 ਇਟ ਇਜ਼ 80 ਸੋ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.303 ਲੋਗ ਆਫ ਏ ਓਵਰ ਏ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵੇਅਰ ਏ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਐਟ ਟਾਈਮ ਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਰੇਟ ਕੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵਿਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ